फिल्म की शुरुआत में सादियो पहल की कुछ आंटी की कहानी सुनाई जाती है जो अभी बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। दरअसल टोटल 3 आंटी होती है जिसमें एक म्यूजियम में होती है और एक नीलम में किसी ने खरीद लिया था, लेकिन तीसरे आंटी के बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये तीसरा आंटा किसी ने भी आज तक नहीं देखा है। प्रेजेंट की सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो मिशन पर होती है और वो घर से निकल भी जाती है। वो हमें दिखाया जाता है एक FBI एजेंट और एक इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर का नाम होता है दास और FBI एजेंट होती है जॉन हार्टली। दरअसल इन लोगों को पता लग चुकी है इस म्यूजियम में अंडे चोरी होने वाली है, इसलिए इन लोग यहाँ पर आए हैं। तो इन लोग यहाँ पर एंटर करती है और अंडे को चेक करती है। जॉन को इस अंडे के ऊपर शक होती है और वो थर्मल स्कैनर से इसको देखती है, जहाँ से उसे पता लग जाती है दरअसल इसमें कुछ गड़बड़ है। वो दिखाया जाता है इसमें वो एक लिक्विड डाल रहा है जिससे ये पूरी तरीके से अपने रूप में आ जाती है और ये एक फेक होता है। तभी अलर्ट कर दिया जाती है और इस सारे रूम को सीज कर दिया जाती है, लेकिन यहाँ से भाग जाती है एक आदमी। दरअसल इसका नाम होता है बूथ, जिसको हमने पहले वाला सीन में देखा था। वही जॉन और बूथ में चोर पुलिस की खेल शुरू हो जाती है और एक समय बूथ यहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब कार से ट्रेस करना चाहती है तभी वो अटक जाती है जिससे वो पूरी तरीके से भाग जाती है। वही दिखाया जाता है बूथ को जो अपने घर पर आया है और उस अंडे को देख रहा है। जब वो पीछे की तरफ देखता है तब यहाँ पर आ जाती है जॉन, और जॉन को देखते ही वो बोलता है सरप्राइज। ये बोलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो जाती है। फिर जॉन उसका बायोडाटा देना शुरू कर देती है। दरअसल उसका पापा एक पुलिस ऑफिसर है और उसका माँ एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वही इन दोनों की बातचीत के बाद उसको कार में बिठाया जाता है और उस अंडे को सेफली ले जाने के लिए अलग ही कार पर रख दिया जाता है जिस कार में जॉन होता है। और यहाँ पे हमें दिखाई देती है एक नाकापोश पहनते हुए लड़की जो अंडे की पास जाती है। वही कार के ड्राइवर को दिखाया जाता है जिन्होंने जॉन को बताती है कार के अंदर कोई है। ये बोलने पर जॉन यहाँ पर आके चेक करती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। अंडा भी ठीक ठाक ही रहती है जिससे वो फिर कार में एंटर करती है। वही दिखाया जाता है अगले दिन की कहानी, जहाँ पर इंस्पेक्टर दास आके जॉन को कहता है तुम हमें धोखा दिया है, हमसे गद्दारी किया है। ये बोलने के पार उस आंटे को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूट जाती है और एक मिट्टी की आंटे होती है, लेकिन जॉन इसको नहीं मानता है और वो सीधे से इनकार कर देती है। लेकिन इंस्पेक्टर दास उसे कहता है तुम्हारे अकाउंट में थर्ड पार्टी अकाउंट से 80 करोड़ कहाँ से आया। दरअसल उसे लगती है इस आंटे को वो बेच दिया जिससे वो 80 करोड़ मिल चुकी है। वही दिखाया जाता है इंस्पेक्टर दास उसे सबसे ज्यादा खतरनाक जेल पर रखा हुआ है। दरअसल ये जेल रशिया में होता है और इस जेल में बहुत सारे खतरनाक कैदी रखती है। जब उसका कमरा में उसे भेज दिया जाता है तब यहाँ पर आ जाती है भूत। दरअसल भूत इस कमरे में पहले से होती है, अब इन दोनों को एक साथ ही रहना होगी। वही भूत उसे बोलता है पहले अंडा तो म्यूजियम में रहा था जो मैंने लिया था, लेकिन दूसरा अंडा है एक गन्स डीलर की जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लोगों को मार दिया करता है बिना किसी वजह से। तो उसकी घर में बहुत ही हाई सिक्योरिटी में उस अंडे है। वही दिखाया जाता है जॉन उसे कहता है मुझे कोई अंडा नहीं चाहिए। एक समय दिखाया जाता है भूत यहाँ के सारे कैदी को बोल रहा है मेरे सामने वाला आदमी एक पुलिस ऑफिसर है, जो सुन के वहाँ की एक कैदी आती है और उसे पंच मारती है। वही दिखाया जाता है वो दोनों को एक साथ में एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ द बिशप मिलती है और ये लड़की और कोई नहीं होता है जिसने पहले से उसकी अंडा चुरा है। वो हमें फ्लैशबैक पर लेकर जाके बताती है, वो हमें यही भी दिखाते हैं उसके अकाउंट में जो 80 करोड़ गया था वो उसी ने भेजा था ताकि सब लोग जॉन के ऊपर शक करे। तो यहाँ पर द बिशप उन दोनों को बताती है अगर तुम दोनों मिल के दूसरी अंडा को चुरा के मुझे दे दोगे तो तुम्हें मैं यहाँ से छुड़ा लूँगी और तुम्हें 10% कमीशन भी दूंगी, लेकिन इन दोनों को मंजूरी नहीं होती है और एक समय वो यहाँ से चले जाती है। रात में भूत उसके पापा की कहानी बताती है जहाँ पर बचपन में पापा की एक रेयर घोड़ी हुआ करता था जिसे एक दिन अचानक की खो गया था और उसका जिम्मेदार भूत को मानता था, इसलिए भूत से कोई भी बातचीत नहीं करता है। लेकिन एक दिन उस घड़ी फिर मिल गया था, लेकिन उसे कोई भी बातचीत नहीं करता है, उसे सॉरी भी नहीं कहता है। दरअसल उसके पापा उसको ज्यादा प्यार भी नहीं करता है, इसलिए उसके घर से वो भाग गया था और उसके बाद वो चोर बन गया था। वही दिखाया जाता है उन दोनों एक जगह पर आया है और एक केमिकल को मिक्स कर रहा है जिसे यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। फिर इन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती है और एक समय हमें दिखाया जाता है भूत हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने के लिए गया है और यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है जॉन ने। वो एक समय हैंड मिसाइल की एम लॉक कर देती है जॉन के ऊपर
जिसे यासे उसके ऊपर शूट कर देती है और उसके बाद किसी भी तरह उन दोनों बाज के यासे चली आती है। वही भूत के एक दोस्त होती है जिसका एक प्लेन होती है और उससे उन लोग सवारी करती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों बातचीत करते हैं उस अंडे को चुराने के लिए। भूत की प्लान को दिखाया जाता है जहाँ पर भूत उसको बताती है उस घर में सारे लोग मास्क पहनते हुए नजर आते हैं और यहाँ की ओनर सोटो वॉस उसके पास ही उस अंडे है। उसको चुराने के लिए पहले उसका फोन चाहिए, जिसके बाद फेस वेरिफिकेशन और फिंगरप्रिंट भी चाहिए। वही भूत उसे बताती है फेस वेरिफिकेशन तो बाईपास कर सकती है, लेकिन फिंगरप्रिंट और उसकी मोबाइल में जो पिन है उसको लेना पड़ेगी। तो इन लोग मिशन पर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आते ही उन्हें नजर आती है द बिशॉप। फिर जॉन उसे बातचीत करती है और एक समय में दिखाया जाता है उन दोनों डांस करती है। डांस की कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाती है सोटो वॉस और सोटो वॉस आती ही उन्हें बताती है इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे क्यों, ये बोलने के बाद उसे वो डांस करने लगती है, जिसे जॉन यहाँ से जाने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद उससे टक्कर भी लग जाती है। दरअसल वो उसे फ़ोन चुरा रहा था क्योंकि रूम में एंटर करने के लिए पासवर्ड चाहिए। वही दिखाया जाता है उन दोनों रूम के सामने होता है और यहाँ पर आते ही फिंगरप्रिंट के लिए ड्रिंक की एक गिलास उठाया लाया है जहाँ पर उसकी फिंगरप्रिंट होता है और उसे वो काम चला लेती है। और नेक्स्ट स्टेप होता है पासवर्ड, वही दिखाया जाता है हमें फ़ोन से उस पासवर्ड को उन लोग निकल लेती है और उसके बाद वहाँ पे एंटर कर देती है। फिर आती है फेस वेरिफिकेशन की बारी, जो चुटकियों में बहुत कंप्लीट कर देती है। वही दिखाया जाता है उन दोनों रूम में एंटर करती है, लेकिन यह बार पहले से आ जाती है द बिशॉप भी। तो इन तीनों में घमासा फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान एक समय में दिखाई जाती है उन दोनों को द बिशॉप अकेला ही पकड़ लेती है। फिर यह बार आ जाती है सोटो वॉस। सोटो वॉस आते ही इन दोनों बताती है हमने तो सिर्फ चोरी करने के लिए आया है, लेकिन इस लड़की चोरी भी कर लिया। वही दिखाया जाता है सोटो वॉस उसके पास जाती है और द बिशॉप उस अंडे को उसके ऊपर दे देती है। दरअसल इन दोनों एक ही आदमी होता है और द बिशॉप उसके लिए ही काम करती है। तो अगले दिन इन दोनों को एक कमरे में कैद करके रखा जाता है जहाँ पर इन दोनों को टॉर्चर करती है और भूत को बताने के लिए कहता है वो तीसरा अंडा कहाँ पर है। एक समय हमें दिखाया जाता है जॉन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है, जिससे भूत उसे सच्चाई बोल देती है। दरअसल इन तीसरे नंबर की अंडा होता है इजिप्ट फार और वहाँ की एक सीक्रेट रूम जिसमें एक बेसमेंट भी होता है और वहाँ पे ही उस तीसरे अंडा है। लेकिन इस बात को सोटो वॉस नहीं मानती है, लेकिन द बिशॉप मान भी जाती है क्योंकि वो पहले से इसके बारे में सुना था। वही दिखाया जाता है उन दोनों सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन द बिशॉप उसकी ड्रिंक में कुछ अलग ही मिक्स कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और द बिशॉप बताती है सरप्राइज, ये बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाती है। कुछ देर बाद जॉन अपना हथकड़ी खोल लेती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन भूत को नहीं छुड़ाती है। उस देर बाद भूत जॉन को कहता है मैंने सब गलत कहा है, सब झूठ कहा है, दरअसल वो मैंने तीसरे अंडे को बजाने के लिए कहा था और तीसरे अंडे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर जॉन कहता है तीसरे अंडा के बारे में मुझे कोई जानना नहीं है क्योंकि मैं उसे नहीं पाना चाहता हूँ, मुझे तो बस बिशॉप को चाहिए जिससे मैं साबित कर पाऊँ मैं निर्दोष हूँ। वही सोटो वॉस जाग जाती है और उन दोनों बाहर आ जाती है और एक कमरे में बैठती है जहाँ पर उन दोनों की बातचीत चलती है और वो फ्लैशबैक पर लेकर जाती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता ही है फादर की और रेयर वाज, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे फेंक देती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। टूटने के बाद वहाँ पे एक कॉइन की तरह नजर आती है, जिसके वो गौर से देखने के बाद उसे पता चल जाता ही है ये एक कोड है और इसकी आसपास ही होता है वो तीसरा अंडा। वही दिखाया जाता है हमें प्रेजेंट पर जहाँ पे इन दोनों अब निकल चुकी है उस तीसरे अंडा को ढूंढने के लिए। तो इन दोनों एक जंगल पर कुछ देर घूमती है, घूमने के बाद जॉन को गुस्सा आ जाती है। फिर जॉन उसे कहता है तुम हमें गलत जगह पर ले आए हो। फिर भूत मैप देखता है और वो कहता है हम सही जगह पर है, लेकिन जॉन को गुस्सा आने पर कंपास को नीचे की तरफ फेंकता है जिससे एक साउंड निकल आती है। फिर इन दोनों जब लड़ाई करना शुरू कर देती है तब इसे पता चल जाती है एक सीक्रेट दरवाजे के बारे में। फिर इन दोनों एंटर करती है और वहाँ की लाइट्स ऑन करती है। फिर यहाँ पे इन दोनों को एक शेप मिलती है और उस जगह पर उस रेयर वॉच को रखती है जिससे इस जगह पूरी तरह से ओपन हो जाती है। फिर इन लोग वहाँ पर जाती है, वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसको भूत ओपन करता है और वहाँ पे वो तीसरा अंडा होता है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है बिशॉप और उन दोनों को गन पॉइंट कर लेती है। फिर बिशॉप उनको बताती है तुम दोनों क्या मुझे गधे समझा है क्या। वही यहाँ पर आ जाती है इंस्पेक्टर दास। दरअसल
साल बिशप का पीछा कर रहा था इंस्पेक्टर दास। इन दोनों में इन तीनों टीम में घमासा फाइट हो जाती है और एक समय में दिखाया जाता है बिशप उनकी साथ मिल के भाग जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर दास उन लोगों की पीछा करती है और हमें कार चेजिंग फाइट नजर आती है। वही एक समय रास्ता खत्म हो जाती है और द बिशप जंप करती है, क्योंकि अगर रुक जाए तो इंस्पेक्टर दास उन लोगों को पकड़ लेगी। तो उन लोग जंप करते हैं एक वाटरफॉल पर, जहाँ पे उन लोग पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इस सब कुछ देख लेता है इंस्पेक्टर दास, लेकिन इंस्पेक्टर दास नीचे नहीं जंप करती है। वही भूत को दिखाया जाता है जो जॉन को बोल रहा है उसे अरेस्ट करो, लेकिन जॉन भूत की हाथ हटा लेती है और सीधे जाती है द बिशप के पास। फिर उन दोनों एक दूसरे को किस करती है, ये देख कर भूत के ऊपर शायद बिजली गिर जाती है और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और फिर पुरानों बातों को याद कर रहा था, जहाँ पे जॉन उसे बहुत सारे बातें बोला करता था, इन सब बातचीत को याद कर रहा था। फिल्म आगे चलती और हमें दिखाया जाती है जॉन को जो उसे बोल रहा है हम दोनों पार्टनर है और हम दोनों ही इन तीनों अंडों को चुराना चाहते और फिर बेचना चाहती है। वही भूत उसे कहता है तुम लोग पार्टनर्स कैसे हो। या हमें फ्लैशबैक पर लेकर जाके सब कुछ दिखाया जाता है, जिससे हमें पूरी तरीके से याद आ जाती है, जहाँ पे पहला अंडा चुराने भी जॉन हेल्प किया था और वो हाथकड़ी खोलने के लिए वही चाबियां दिया था। दरअसल उसे एक गेम खेला है, क्योंकि वो कभी भी तीसरे अंडा के बारे में नहीं बताएगी, इसीलिए उसके साथ एक गेम खेल के उसकी सारी बातें सुन के उन लोग तीसरे अंडा भी हासिल कर लिया था। तो इन दोनों उसको एक पेड़ पर बांध के यहाँ से चले जाते हुए दिखाया जाता है इजिप्ट पे, जहाँ पे उन तीनों अंडों को 300 करोड़ से बेच चुका है उन दोनों जो खरीद चुका है वहाँ की एक किंग और क्वीन। लेकिन यहाँ पर आ जाती है पुलिस और उन दोनों के ऊपर रेड चलाती है, फिर यहाँ के सारे अंडे सीज कर लेती है और गवर्नमेंट की कब्जे में ले लेती है। वही दिखाया जाता है उन दोनों को जो बहुत ही ज्यादा मजे में होती है। अचानक यहाँ पर आ जाती है भूत, भूत आते ही फ्लैशबैक पर लेकर जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाती है इंस्पेक्टर दास उसे फिर पकड़ लेती है, फिर उसे कार में कैद कर लिया जाती है, लेकिन वहां से वो किसी भी तरह फिर दिमाग लगा के भाग जाती है। प्रेजेंट में आते ही वो तो उसे बताती है तुम लोगों की सारे सीक्रेट बैंक की पता मैंने दास को बोल दिया है और उन लोग तुम्हारे सारे पैसे को सीज कर लिया है, उनकी कब्जे में ले लिया है, अब तुम्हारे पास कोई भी पैसा बचे नहीं हुआ है। वही वो तो उसे एक नए प्लान के बारे में बताती है जिसमें डबल पैसा मिलेगी। कुछ देर बाद यहाँ पे चारों तरह से इंस्पेक्टर दास उन्हें घेर लेता है, जब यहाँ पर एंटर करते हैं तब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वही हमें दिखाया जाता है इन तीनों के ऊपर रेड नोटिस जारी कर दिया जा रहा है। फिल्म आगे चलती है और हमें नजर आती है उन तीनों, जहाँ पे अब इन तीनों एक ही साथ में होता है और उन लोग एक नए शहर पर एक नए मिशन पर आए हैं जिसमें इन लोगों को डबल पैसा मिल सकती है जो भूत ने उन लोगों को पहले बता चुका है। तो उन लोग आगे निकल जाती है और यही पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।